गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे कितना चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और इस टाइम मैं पी रही हूँ नॉर्मल पानी, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए आलू उबलने के लिए रख दूँगी। तो मैंने एक ही साइज़ के छोटे छोटे आलू ले लिए हैं और अब मैं इन्हें धो के और कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मैं इन्हीं आलुओं से बनाने वाली हूँ तीन टाइप की चीज़ें, जो कि हमारे तीनों टाइम पे अलग अलग काम आ जाएंगी। तो इनमें पानी लगा के मैं गैस पे रख दूँगी और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो चेक करके देखूँगी कि आलू गल चुके हैं तो उन्हें निकाल लूँगी और फिर ठंडा करके उन्हें हाथ से फोड़ लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी एक कढ़ाई और उसमें ऑयल गर्म करूँगी और ऑयल में डालूँगी मैं मेथी और थोड़ा सा साबुत धनिया, हींग, जीरा और नमक। और उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़े से ये आलू, बाकी अभी रहन दूँगी। और साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, जो ज़्यादा तीखी ना हो, और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए, और सूखा धनिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दूँगी। और उसके बाद सारे आलू जो फोड़े हुए हाथ से हैं उनको डाल के अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, बात यह है कि जो हम लोग चक्कू से काटते हैं आलू, उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि ये हाथ से फोड़े हुए आलूओं में, इसमें अलग सा ही टेस्ट आता है, ये मेरा मानना है। आप भी बताइएगा कि आपका ये मानना है या नहीं। तो बस दो तीन मिनट सेकने के बाद आलू हो गए तैयार। तो हमने थोड़ा सा लगा दिया है इस पर गरम मसाला। तो लीजिए, रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट। अब इसको हम सर्व करते हैं और इस पर लगाते हैं दही। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इस पर दही लगाइए, हरी चटनी लगाइए और साथ में लगाइए गुड़ वाली चटनी, और उसके ऊपर आप थोड़ी सी काली मिर्च, कश्मीरी मिर्च और भुने जीरे का पाउडर स्प्रिंकल कर दें। तो लीजिए, आपका हो गया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरी डिश बनाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। हम लोग बनाएंगे इसको पराठा रोल, और इसके लिए हम बनाएंगे एक मुलायम सा लच्छा पराठा। वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मैं तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। और हम इस पराठे से बनाएंगे आलू रोल, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि सब्ज़ी की सब्ज़ी हो जाएगी और रोटी की रोटी हो जाएगी। तो मैं लच्छा पराठा कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, देखिए। और बस इसे एक मोटी तह में बेलना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, और इसको सॉफ्ट सा बना लेना है क्योंकि इसका रोल बनना है। अगर हम इसको करारा सा सेकते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको अच्छा सा देसी घी लगा के एक हमने लच्छा पराठा बना लेना है। तो देखिए इसकी फ्रेंड्स कैसे लेयर भी अलग अलग सी हो रही है। तो हल्का सा ठंडा होने पर अब हम इसमें डाल देंगे वही जो हमारे पास आलू रेडी हैं, और उसका कुछ इस तरीके से रोल बनाकर और फॉइल पेपर या किसी भी रैपिंग पेपर में आप लपेट के दे सकते हैं। साथ में सैलेड दे दीजिए या फ्रूट दे दीजिए या ड्राई फ्रूट दे दीजिए। तो ये लीजिए, बच्चों का लंच बॉक्स हो गया तैयार। वो बहुत खुश होंगे इसको खा के। तो फ्रेंड्स, अब इवनिंग में हम बनाएंगे इसी की तीसरी डिश, जो स्नैक्स भी होगी। तो हम ब्रेड ले लेंगे, और ब्रेड आप ब्राउनी भी ले सकते हैं, और इसमें जो सुबह के आलू रेडी किए हुए हैं वो अपने ढंग से फैला दें। और अगर आप इसके ऊपर कोई मेयोनी या चीज़ भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और ये एक सैंडविच टाइप में तैयार कर लें। अक्सर हम लोग इवनिंग स्नैक्स बच्चों के लिए अपने लिए रेडी करते ही हैं। और बस इस तरीके से देसी घी लगा के और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करारा होने तक अलट पलट कर सेक लें। और फ्रेंड्स, बात यह है कि आज एक ही चीज़ से हम लोग तीन तीन आइटम बना चुके हैं, और ये वर्किंग वूमेन के लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, या जो पीजी या हॉस्टल में बच्चे रहते हैं स्टडी या जॉब के चक्कर में, तो वो भी ये बहुत ज़्यादा इजी और क्विक रेसिपी बना सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए भी हो सकता है जिनको किचन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो बस कुछ इस तरीके से थी आज की मेरी रेसिपीज़, जो एक ही तरीके से, एक ही बार मेहनत की हुई से हम लोग तीन तीन तरीके की चीज़ें
तैयार कर सकते हैं। और लीजिए, ये हो गए हमारे बहुत ही कुरकुरे टेस्टी से आलू सैंडविच। और बस इसको हम, या तो हरी चटनी है तो हरी चटनी के साथ खाइए, टोमेटो केचप के साथ खाइए, और नहीं तो गुड़ और इमली वाली चटनी तो हम जैसे कि घर में बनाकर रखते ही हैं, तो उसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसको आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और इसमें आप इसको सैंडविच को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मैं करती हूँ आज की वीडियो का एंड और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।